हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइजमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें आप जो प्लान देख रहे हैं सिक्स बेडरूम है, है टोटल फुल डिटेल है कॉलम मार्किंग है पिलर कहाँ होगा कैसे होगा टोटल चीजें हैं सिक्स बेडरूम है काफी कम जगह में इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल डिटेल हम आपको बताएंगे ये वरानदा है इसका सीट आउट एरिया है काफी अच्छा वरानदे का लुक है आपके का जब उसका फर्स्ट फ्लोर बनेगा तो इस पर गैलरी व्यू काफी अच्छा दिखेगा चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं जैसे प्लान की इसमें टोटल मार्किंग कॉलम की हम आपको बताएंगे क्या है कैसे है टोटल चीज़ें पहले चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं जैसे प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो आते हैं सीट आउट यानी बरानदा दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक सात फिट ग्यारह इंच का एक इंच कम है आठ फीट में और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह आपका बीस फीट पाँच इंच का यानी काफ़ी अच्छा साइज़ है फिर हम लोग आते हैं सीधे बेडरूम नंबर वन में बेडरूम नंबर वन में आते हैं तो बेडरूम नंबर वन का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दस फिट का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका ग्यारह फीट का है दस इंटू ग्यारह का ये बेडरूम है फिर चलते हैं सीधे हम लोग बेडरूम नंबर टू में ये बेडरूम नंबर दूसरा यानी दूसरे बेडरूम में यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं तो ग्यारह फीट का और यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये दस फीट का है। दस इंटू ग्यारह का यानी एक इंच आपको ज़्यादा कर सकते हैं तो ये दस फीट एक इंच है ग्यारह का ये है बेडरूम नंबर अब हम लोग चलते हैं तीन में तीन में चलते हैं लिविंग हॉल काफ़ी अच्छा उसका भी बताएंगे लेंथ फिर क्या बेडरूम नंबर तीन में जहाँ हम आते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह आपका दस फिट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये थोड़ा छोटा बेडरूम पकड़ा गया जैसे बच्चों के लिए एक सिंगल स्टडी एरिया बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं फिर हम लोग आते हैं बेडरूम नंबर फोर में फ़ोर ये रहा फोर किचन का साइज़ काफ़ी अच्छा है फोर में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भी साइज़ दस का है और ये जो बेडरूम है इसका भी साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्यारह का चलिए चलते हैं पाँचवें बेडरूम की तरफ पाँचवें बेडरूम की तरफ हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पर इसका साइज़ हम आपको बता दें कि ग्यारह और यहाँ से यहाँ तक ये आपका दस दस इंटू ग्यारह काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर बेडरूम है छठा बेडरूम में चलते हैं जो सीढ़ी ऊपर यहाँ से सीढ़ी ऊपर गई है यहाँ से चढ़ते हैं चढ़ान से ऊपर जाती है तो यहाँ पर सिक्स में आते हैं सिक्स में जो आते हैं तो सिक्स का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दस फीट एक इंच है और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये आपका ग्यारह फीट है उसके बाद जब यहाँ पर टोटल चीज़ यहाँ पर एक रास्ता इनकी प्रॉपर्टी है ये सेकेंडरी रास्ता घर में है ज़मीन थी तो सेकेंडरी रास्ता यहाँ पर इन्होंने छोड़ा है तो यहाँ पर सेकेंडरी रास्ते का जो साइज़ है वो तीन फीट है जो ढाई तीन फिट चलता है किचन में आते हैं किचन दस इंटू ग्यारह का है किचन में फ्रिज यहाँ पर रख सकते हैं बड़ा किचन डिमांड पर बनाया गया है किचन की डिमांड थी कि हमको बड़ा किचन तो काफी अच्छा किचन है उसके बाद यहाँ पर एक ही बाथरूम की डिमांड थी इसलिए एक बाथरूम है अगर दो बाथरूम की होती तो दो बाथरूम इजी वे में निकल जाता तो यहाँ पर एक बाथरूम की डिमांड थी हमको एक ही बाथरूम चाहिए तो यहां पर आते हैं तो अगर आप इसे दो करना चाहते हैं तो इसे अटैच भी कर सकते हैं इससे इसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आ सकता है तो यहाँ लिविंग हॉल की तरफ आते हैं तो लिविंग हॉल देखने में ही काफी बड़ा साइज लग रहा है ये काफी बड़ा लिविंग हॉल है तो हम लोग लिविंग हॉल की तरफ आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 फीट 5 इंच का है और यहाँ से यहाँ तक 20 फीट 5 इंच का यानी कि स्पैन काफ़ी बड़ा लोड तोड़ने के लिए भीम चलाना पड़ेगा छत के ऊपर इक्कीस दिमाग में रखिएगा तो आप एस पर साइड आप अपनी साइड का पोजीशन देख लीजिएगा मिट्टी कैसी उस हिसाब से यहाँ पर आप पिलर अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ दे सकते हैं और यहाँ से भीम को सीधे एक कॉलम यहाँ रख के शिफ्ट कर सकते हैं ये है यहाँ भी ऑप्शन है बीम को क्रॉस करने का तो आपके पास ऑप्शन आप रख सकते हैं यहाँ से भी एक ही बीम से भी काम चल सकता है तो स्पैन को तोड़ना पड़े स्पैन का जो स्पैन का है छत का काफ़ी बड़ा है इससे आपको उस इस छत में धमक आएगी अगर आप इसमें बीम का यूज़ नहीं करते हैं बीच सेंटर में कॉलम को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं आप इसे बीम के लोड पर तोड़ें अगर बीच में कॉलम यूज़ करते हैं तो गंदा दिखता हॉल किसी भी यूज़ का नहीं रहता है तो आप इसमें कॉलम पे तोड़ दो, सकते हैं अगर आप कभी घर बनाएं इस पे काम कीजिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा दिए गए नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है चलिए इसको दूसरी चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं इसकी फंडा किचन में जितना गेट है किचन का गेट जो है ये यहाँ पर हमने तीन फीट रखा है टोटल बेडरूम का गेट टोटल बेडरूम का गेट जो है साढ़े तीन फिट है बाथरूम का ढाई फिट है और यहाँ पर स्टेयर क्लियर है आपकी ये स्टेयर है और आउटर वाल का जो इस्तेमाल किया गया वो 10 इंच के बाहर में जो वाल देखने ये चारों तरफ से वो 10 इंच की वाल चलाई गई है अंदर की पार्टीशन वाल 5 इंच की है चलिए इसका साइज़ हम आपको शो कर दे रहे हैं आप अपने प्लॉट के हिसाब से भी अरेंजमेंट कर दें तैंतालीस फिट का है ये और यहाँ से यहाँ तक ये यह जो है आपका ये सैंतीस फिट का है। तो काफ़ी छोटा साइज़ कर सकते हैं सिक्स बेडरूम के हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है टोटल बीम इसमें देखिएगा एक दूसरे से कनेक्टेड बीम है पिलर का साइज़ यहाँ पर टेन इंटू टेन इंच का रखा गया अगर आपको प्लॉट यानी फ्लोर का हिसाब उठता है तो पिलर का डायमेंशन बदलेगा फ्लोर का जितना हिसाब उठेगा वहाँ पर आपको पिलर का डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर ये यह चीज़ है कि यहाँ फ्लोर का हिसाब उस तरह से नहीं है तो बस दस बाई दस के कॉलम पर इसको कनेक्ट किया गया तो काफ़ी अच्छा प्लान है काफ़ी बेहतर प्लान है वीडियो देखने के लिए शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद